स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितेश गिल्ला है एंड आई वॉचिंग नितेश गिल्ला ब्लॉग। तो अभी जो है कि नुनवानी में जहाँ से की यात्रा स्टार्ट होती है, अभी इस मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और हम काउंटर पे पहुँचने वाले हैं। कल जो कि यात्रा आई नहीं थी क्योंकि रास्ते में जो कि रोड ब्लॉक थी, तो एक भी यात्री नहीं आया। तो अभी जो कि 10 बजे जो कि कॉन्वॉय आने वाली है, जो 50-60 गाड़ियाँ आती है वो अभी मॉर्निंग को आएंगी। जो आज वाली कॉन्वॉय है वो जो कि 2-2.5 बजे आएगी। जो आज सुबह को 10 बजे आने वाली है वो जो है कल की कॉन्वॉय है। कल जो कि रोड ब्लॉक था इसलिए जो है कि आ नहीं पाए, अभी आने वाले हैं इसलिए हम जल्दी निकलते हैं। तो अभी जो कि यात्रा भी थोड़ा कम हो गई है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है पहले के हिसाब से, जो कि शुरू में बहुत ही खतरनाक यात्रा चल रही थी। लेकिन अब जो कि कम हो गई है वो इसलिए कम हो गई है क्योंकि ऊपर जो है कि शिवलिंग है वो काफ़ी हद तक जो कि मेल्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए कि लोग जो मैक्सिमम यात्री आता है वो शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है, तो जो कि इसलिए यात्रा भी कम हो गई है। धीरे धीरे जो है कि ऐसे एक ग्राफ नीचे जाने वाला है और अभी जो कि हम भी दर्शन करने नहीं गए ऊपर, अभी एक दिन टाइम निकाल के हमको भी ऊपर जाना पड़ेगा। और मौसम जो है कि आज का इस तरह का है, पूरे बादल लगे हुए हैं, कल से लगे हुए हैं बादल, लेकिन जो कि बारिश अभी गिरने स्टार्ट नहीं हुई है। शायद दिन तक हो सकता है कि बारिश गिर सकती है। ये मानो ये वाला मौसम है, अभी जब धूप लगती है तो भाई साहब इतनी तेज़ लगती है धूप कि उसकी क्या ही बात की जाए। अभी ये कॉन्वॉय जो कि यहाँ से जो कि गाड़ियों को जम्मू लेके जाएगी वापस, जम्मू से यहाँ भी लेके आती है और यहाँ से जो कि जम्मू भी वापस लेके जाती है। तो अभी जो कि सारे लोग तैयार हो रहे हैं जम्मू जाने के लिए, जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ होंगी सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, और गाड़ियाँ भी आने वाली, पीछे कुछ बसें खड़ी हुई हैं, ये बसेस आगे खड़ी हुई हैं, ये सारी जो है कॉन्वॉय के साथ जाती हैं, आती भी कॉन्वॉय के साथ हैं और जाती भी कॉन्वॉय के साथ हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ। तो टाइम अभी दिन के बज रहे हैं 1:30, मॉर्निंग से जो है कि मॉर्निंग से कॉन्वॉय का वेट करते करते अभी भूख भी लगी है। कभी कभी इतना काम होता है तो फुर्सत नहीं मिलती है, और आज तो इतनी बोलत आए क्या है बताया जाए, क्योंकि कॉन्वॉय आई नहीं आज। जो कॉन्वॉय आज 10 बजे आने वाली थी वो अभी 1:30 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई है। तो मॉर्निंग से जो कि आज ऐसे बैठे रहे, बैठ बैठ के जो कि भूख भी लगी है, अभी फिर खाना खाने जा रहे हैं और बोरत तो क्या ही बताएं, नेक्स्ट लेवल जो कि बोरत आ रही थी। अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बैठे बैठे भूख भी लगी है, अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। और मॉर्निंग को मैंने आपको दिखाया था मौसम, तो ये मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। मॉर्निंग को जो कि हल्की फुल्की जो है कि ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही धूप निकली इतनी तेज़ वाली धूप लगती है यहाँ पे, जैसे केदारनाथ में धूप लगती है एकदम तीखी वाली, तो सेम धूप यहाँ पे भी लगती है। और थोड़े टाइम में जो कि इतनी गर्मी हो जाती है, अभी गर्मी हो रही, पीछे से एकदम धूप आ रही है, इसलिए मैंने एक कैप डाली हुई जैकेट की। और यहाँ पर देख लीजिए अभी कोई भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है अभी यात्रियों की। ये आई जी कॉन्वॉय 3:30 बजे, और इतनी भीड़ पड़ गई है क्या ये बताया जाए। आप दोनों साइड देख लीजिए, दोनों साइड इतनी भीड़ है, नीचे भी और ऊपर भी। कुछ लोग इधर जा रहे हैं जिन लोगों की होटल बुक होंगे यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, और बाकी लोग सामने जा रहे हैं, कुछ नीचे ऊपर वाली लाइन में लग रहे हैं, मतलब इसको अंदर बेस कैंप में जाना है, और जो बाहर बाहर से निकलने मतलब उनको आगे मार्केट जाना है और वहीं से होटल लेंगे वे। कुछ लोग नीचे नदी में नहा रहे हैं गर्मी के हिसाब से। पूरे विश्व और भारत देश में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों से अनुरोध है कि मास्क
लगा के रखें, आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखें। यदि कोविड जैसे लक्षण किसी भी यात्री में पाए जाए। ये तो आते ही खत्म हो गई। काफी दिनों बाद आए मार्केट में, तो मार्केट में घूमते हैं और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि आने वाली है बारिश। जल्दी मार्केट में अपना काम निपटाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी जो कि बादल गरजने स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ तक हम बस में आए लेकिन वापस जाने का कोई वो जुगाड़ नहीं है। वापस जो हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि इससे अच्छा कि वीकनेस अच्छा है, अपना काम निपटाओ और जल्दी निकलो यहाँ से। तो आज है डे टू, और अभी जो कि ब्लॉग करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो जो कि दो दिन में ब्लॉग खींचना पड़ता है। तो कल का मौसम आपने देखा होगा कि कल मौसम एकदम पूरा पैक था, तो मौसम आज भी पैक ही है। कल तो बारिश हुई नहीं लेकिन आज लग रहा कि बारिश हो सकती है। मौसम भी ठंडा हो गया है क्योंकि एकदम बादल आए हुए हैं और हवाएं भी चल रही है ठंडी ठंडी। तो अभी लग रहा है कि थोड़ा बहुत बारिश आ सकती है। Let's go, let's go.